वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल पूजा। तो आज की वीडियो इस इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिन लोगों ने अभी अभी अपना नया आधार कार्ड खिंचवाया है अपना आधार सेंटर से और उनके पास ये वाला एनरोलमेंट स्लिप है, ये स्लिप से वो कैसे अपने स्टेटस चेक करेंगे, साथ ही साथ ये स्लिप अगर कंप्लीट हो जाए, स्टेटस में आपको कंप्लीट दिखाए वहाँ पे, तो आपको अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाली हूँ। कि पास भी एनरोलमेंट स्लिप है वो अपना इजीली आपका यहाँ पर आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एनरोलमेंट स्लिप होना बहुत जरूरी, तभी आप अपना स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हो। चाहे वो अपना नाम करेक्शन कराए हो, चाहे वो एड्रेस अपडेट कराए हो, चाहे वो नंबर लिंक कराए हो, के पास भी ये एनरोलमेंट स्लिप है, आधार कार्ड यहाँ पे इजीली अपना स्टेटस चेक करके आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को आप अपने फोन से भी कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, दोनों का प्रोसेस सेम है। ठीक है, सबसे पहले इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस का एक ऑप्शन है, वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो चेक आधार स्टेटस में यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं थ्री ऑप्शन है, एनरोलमेंट आईडी, एसआरएन और यूआरएन। एनरोलमेंट आईडी जिसके पास ये है इसको बोलते हैं एनरोलमेंट आईडी, यहाँ पे होता है एनरोलमेंट आईडी, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है इसमें रहता है। और एसआरएन और यूआरएन जो ऑनलाइन अपना करेक्शन करते हैं उनके पास ये एसआरएन नंबर रहता है। ठीक है, जो अपने फोन से घर बैठे करते हैं। तो अभी हमारे पास एनरोलमेंट आईडी है, एनरोलमेंट आईडी से अभी हम अपना स्टेटस चेक करने वाले, अभी हम प्रोसेस कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो 14 डिजिट साइड में यहाँ पर आप देख सकते साइड में एनरोलमेंट नंबर रहता है उसको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद उसके अपोजिट साइड में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डेट दिया गया है, तो उसी डेट को यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइम भी इसी तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, वो एग्जैक्ट वहाँ पे एक ही नंबर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका स्टेटस यहाँ पर शो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला कैप्चा को यहाँ पर एंटर कर लेना, सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा स्टेटस इस तरीके का यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पे कम्प्लीट वाला ऑप्शन है, तो यार आधार हैज बीन जनरेटेड, तो मतलब हमारा आधार कार्ड में आधार कार्ड नया है, तो आधार कार्ड जनरेट हो गया, आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपने कुछ करेक्शन कराया तो वो भी हो गया है, अब वो भी आप अपना डाउनलोड कर सकते हो। तो आप डाउनलोड करने के लिए फिर से आपको वही वाला वेबसाइट पर आना है। इस वाला वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक डाउनलोड आधार का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड आधार का एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन है, एक आधार नंबर है, एक एनरोलमेंट आईडी है, एक वर्चुअल आईडी है। तो अभी हमारे पास आधार नंबर तो नहीं है, हमारे पास एनरोलमेंट आईडी है, तो एनरोलमेंट आईडी पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर टिक करने के बाद यहाँ पर फिर से वही एनरोलमेंट आईडी 14 डिजिट नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद टाइम को भी यहाँ पर उसी तरीके से सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो कैप्चा है इसको यहाँ पर फिल कर देना है, उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपने रजिस्टर किया होगा उस मोबाइल नंबर आधार कार्ड में वही नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो ये हमारा ओटीपी आ चुका है। ओटीपी आने के बाद मैं यहाँ पर एंटर कर देती हूँ, उसके बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका आधार कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर आधार कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड। अब यहाँ पर जब इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक पासवर्ड मांगा जाएगा, जो भी आपका एनरोलमेंट स्लिप में नाम है और डेट ऑफ बर्थ है, नाम का जो भी स्टार्टिंग का 4 लेटर्स है उसको कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ का ईयर है नंबर्स यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका आधार कार्ड यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा, तो इसको आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही प्रोसेस था गाइस, किस तरीके से आपको अपना स्टेटस चेक करना है या फिर नया अप्लाई किया है, जो भी आपने किया है वो इस तरीके से आपको स्टेटस चेक करने के बाद इस तरीके से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर लेना है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और आपको मेरे चैनल नए प्लीज टेक्निकल गुण पूजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको इसी तरह का हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहता है हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं इसी तरह के हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।